हमने एशिया कप का फाइनल खेला, इंडिया ने नहीं खेला, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, इंडिया पीछे हट गई, तोड़फोड़ हुई, उन्होंने अपना चीफ सिलेक्टर फायर किया, सिलेक्शन कमेटी फायर कर दी, उन्होंने कप्तान बदल दिए, बिकॉज उनको हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान उनसे आगे कैसे निकल गया। ये भी टीम जो घटिया से घटिया तरीन परफॉर्म कर रही होती थी, ये आगे डिफेंड कर रहा होता था, नहीं जी मेरा बाबर किंग है जी, मेरा रिजवान किंग है जी। हमने 25 साल के बाद इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, इंडिया ने एशिया कप का फाइनल नहीं खेला, बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हमने खेला, और हम थोड़े आगे बढ़ गए तो इंडिया हमसे जलने लगा। अबे मैं क्या बोलू यार इस जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। दोस्तों रमीज राजा पीसीबी चेयरमैन से हटने के बाद पूरी तरीके से बौखलाया, के बारे में और क्या कुछ नहीं दिखाई दे रही है इस वीडियो में जानेंगे के ऊपर। चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। हमने एशिया कप का फाइनल खेला, इंडिया ने नहीं खेला, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, इंडिया पीछे हट गई, तोड़फोड़ हुई, उन्होंने अपना चीफ सिलेक्टर फायर किया, सिलेक्शन कमेटी फायर कर दी, उन्होंने कप्तान बदल दिए, बिकॉज उनको हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान उनसे आगे कैसे निकल गया। ये हर बात में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो इंडिया से आगे निकल गए हैं, ताकि लोग ये समझे कि भाई रमेश राजा के दौर में हमने जो है वो इंडिया को पता नहीं बहुत पीछे छोड़ दिया, हम जो है वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो लोग जो है वो मेरी साइड ले लें और मेरे लिए लोग आवाज उठाएं। आज बेशक आप जो आप फाइनल खेल के आए, लेकिन आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, ये आप किसी के भरोसे जो आप फाइनल में पहुंचे हैं? ऐसा चेयरमैन कि जब भी टीम जो घटिया से घटिया तरीन परफॉर्म कर रही होती थी, ये आगे डिफेंड कर रहा होता था, नहीं जी मेरा बाबर किंग है जी, मेरा रिजवान किंग है जी, इन्होंने हमें ये खुशी दे दी, इन्होंने हमें वो खुशी दे दी। फिर ये कहता है कि भाई इंडिया से हमारी जीत हजम नहीं होती है, भाई उन्होंने अपने फैसले किए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उन्होंने अपना फैसला किया, अपनी टीम में चेंजिंग की, अपने मैनेजमेंट में चेंजिंग की, इससे इस बात से क्या ताल्लुक है कि उनसे तुम्हारी जीत हजम नहीं हुई है इसलिए उन्होंने अपनी टीम चेंज कर दी या उन्होंने अपना कप्तान चेंज कर दिया? इनकी बेतुकी सी बात। कोई भी ऐसा तीर होगा गुजरने वाला पास से, वो ये उठाएगा खुद ले लेगा बस, और इसको कोई काम आता नहीं है। भाई हर बात में इंडिया इंडिया इंडिया, भाई इंडिया से तुम्हारा क्या लेना देना है? वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो चेंज करें ना करें वो उनकी मर्जी है, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है? सिर्फ बात इतनी सी है कि इससे मालूम है कि जितना इंडिया के खिलाफ जो है वो बोलेंगे, इतना जो है वो लोग मेरी सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते रहते हैं हर वक्त, उनकी जो है वो मर्जी होती है कि भाई इंडिया के खिलाफ बोलें, इंडिया को ये करें, इंडिया को वो करें, हर बार इसी पर बात करते रहें। तो अब जो है ये बंदा उसी को जो है वो यूज़ कर रहा है, बार बार इंडिया का नाम, और इंडिया का नाम लेके खुद जो है वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी लोगों से। बाकी और कोई मकसद ही नहीं है, जब बात हो रही है तुम्हारे क्रिकेट की, बात हो रही है तुमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई तुमने इतने अरसे में क्या किया, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि तुमने ये रोना धोना क्यों शुरू किया हुआ है, जबकि नजम सेठी लीगल तरीके से आ गया है, जैसे तुम आए थे वैसे ही वो भी आ गया, तुमने ये रोना धोना क्यों शुरू किया हुआ है? इसे जब ये पूछा गया तो भाई इस बंदे ने जो है बीच में इंडिया को डाल लिया, और वैसे ही फजूल में जो है वो अपनी यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी धोती बचाने के लिए बीच में इंडिया का नाम लिया। कमीज राजा पे पहले तो ये बरस रहा था अपने बंदों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, नजम शेट्टी के ऊपर ये बहुत सारी बातें की, मुझे क्यों निकाला, मुझे जबरदस्ती निकाला, चलो जो भी था वो अपने लोगों पे बरस रहा था, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता था। अब दोस्तों आप लोग ये पिक देखें, अब ये बंदा जो है वो इंडिया की तरफ, इसने अपने थोपों का जो रुख है वो इंडिया की तरफ कर दिया, क्या भाई ये देखो ये इंडिया हमसे जलने लगा और हम थोड़े आगे बढ़ गए तो इंडिया हमसे जलने लगा। अबे मैं क्या बोलूं यार इस बंदे को, क्या बोलूं? अरे तुम लोग हो क्या भाई पुराने टीन डब्बे की तरह हो कि एक डंडा बजाया महीने तक बज रहे डंग डंग। अरे इंडिया को क्या लेना देना तुम्हारी टीम से, कौन सा आगे बढ़ गए भाई, कौन सी ट्रॉफी जीत गए, कौन सा कप लेके आ गए आप लोग, घर के अंदर सूझ रही है आपकी, सुझा रहे, पहले चिल्ला रहे थे सालों साल से कि गोरे नहीं आ रहे हमारे देश में। अब जब गोरे आ रहे हैं तो ठोक रहे हैं भाई। पहले तो यहां आप लोगों की सूझी, दूसरी सूजन आपकी सबसे पहले सूजन जो थी वो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के हार के बाद, जो आप लोग इंडिया से हारे उस पे ज्यादा सूझी तेरी, और उसके बाद तूने बाहर निकल के एंकर के साथ, इंडियन एंकर के साथ बदतमीजी की, तो तेरी औकात वहीं पे पता चल गई। अब जो इसको पता चल गया कि नजम सेठी इसके बातों का बिल्कुल भाव नहीं दे रहा, कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा, कभी बोल रहा है मैं इंटरनेशनल
कोर्ट में जाके ये बात करूंगा, कभी बोल रहा है मैं उगांडा जाके बोलूंगा मुझे जबरदस्ती निकाला, तो कभी बोल रहा है जिम्बाब्वे का कोच बनूंगा मैं तो कुछ भी कर ले फर्क नहीं पड़ता ना, पाकिस्तान के पीसीबी को फर्क पड़ेगा और बीसीसीआई को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, तू है कौन भाई, अब तो तेरे को जानते भी नहीं है ये कॉर्पोरेट कल्चर में क्रिकेटर को आप देख रहे हैं जी, जिसने बड़ी इज्जत के साथ ग्राउंड में मारे खाई हुई है, पिछले 3 साल से वो काम कर रहा है। हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, वो चीफ सेलेक्टर था, हम एशिया कप का फाइनल खेले हैं, वो चीफ, हमने 25 साल के बाद इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, इंडिया ने एशिया कप का फाइनल नहीं खेला, बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हमने खेला, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, इंडिया नहीं खेला, तो